आज अपना 52वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। उनके करियर की बात करें तो अक्षय कुमार ने बॉलीवुड में रोमांटिक एक्शन से लेकर कॉमिक हीरो का किरदार निभाया है, लेकिन आज उनके जन्मदिन पर बड़ी घोषणा हुई है। अक्षय कुमार ने अपने बर्थडे के दिन दिए गए इंटरव्यू में कबूल किया है कि वो बहुत जल्द मशहूर हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान के किरदार में दिखाई देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार ने कहा, मेरे लिए पृथ्वीराज चौहान का किरदार करना किसी सम्मान से कम नहीं है। वो एक हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे बहादुर और निडर राजा थे। वैसे आपको बता दें, इस फिल्म का निर्माण यशराज फिल्म्स करने वाला है। ये फिल्म साल 2020 में रिलीज होने की बात सामने आई है। यशराज फिल्म्स ये फिल्म दिवाली पर रिलीज करना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर सीधे टक्कर कंगना रनौत अपनी फिल्म धाकड़ से करेंगी। इस फिल्म को लेकर यशराज फिल्म्स ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले 2 साल से इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड में सुगबुगाहट चल रही थी, लेकिन कभी किसी ने इस फिल्म को लेकर खुलकर मीडिया से बात नहीं की थी। लेकिन अब अक्षय कुमार ने 52वें जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर बड़ा ऐलान किया है। अपनी बात करते हुए अक्षय कुमार ने आगे कहा, आज भारत को जिस मूल्यों और संस्कृति की वजह से जाना जाता है, वो इसमें बड़ा हाथ पृथ्वीराज सिंह चौहान का है। फिल्म पृथ्वीराज एक कोशिश है उनकी गाथा निर्भयता और हौसले दुनिया के सामने लाने की। मेरे जन्मदिन पर इस फिल्म को लेकर बड़ी घोषणा हुई है, ये मेरे लिए बहुत खास बात है। इस फिल्म को चंद्र प्रकाश द्विवेदी निर्देशित करेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।